अस्सलाम वालेकुम एवरीवन हाउ आर यू ऑल उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे आई एम हेयर विद अनदर लेक्चर जिसमें मैं बात कर रही हूँ इंटर पार्ट वन के लिए यूनिट नंबर फोर लिक्विड्स एंड सॉलिड्स के ऊपर जिसमें हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ प्रेजेंट इन द लिक्विड्स इन सम स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स और इलेक्ट्रोपोजिटिव हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है तभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं अब हम ऐसे कंपाउंड्स को स्टडी कर रहे हैं जिन ऐसे कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर रहे हैं जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है और हम देख रहे हैं कि ऐसे कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्ड क्या रोल प्ले करता है किस तरह से इम्पॉर्टेंट है अपने प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज़ देखी ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है उनकी सोलबिलिटी के बारे में स्टडी किया था आइस के स्ट्रक्चर को स्टडी किया था कि किस तरह से आइस के अंदर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है किस तरह से वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आइस के अंदर उसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि जो क्लिनजिंग एक्शन है सोप्स और डिटर्जेंट्स का वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या रोल है आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द बायोलॉजिकल कंपाउंड्स एंड फूड मटेरियल। डिफरेंट बायोलॉजिकल कंपाउंड्स में यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के कंपाउंड्स के, के अंदर किस तरह से कहां कहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है क्या ये रोल प्ले करेगी किस तरह से क्या इंपॉर्टेंस ये कैरी करती है और इसके अलावा डिफरेंट जो फूड मटेरियल्स हैं उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से एग्जिस्ट करती है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हम अपने लिविंग सिस्टम में देखें अपनी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडीज़ के अंदर चेक करें अपने मॉलिक्यूल्स को चेक करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिविंग ऑर्गेनिज़म्स लिविंग सिस्टम्स के बॉडीज़ के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उन तक के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो एग्जिस्ट करती है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना सिर्फ इंडस्ट्रियल वे से या केमिकल वे से या स्टडी के वे से सिर्फ इंपॉर्टेंट है बल्कि हम ये कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की लाइफ भी जो है वो हाइड हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट के ऊपर डिपेंड करती है सबसे पहले अगर हम लोग बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से शुरू करते हैं बायोलॉजिकल कंपाउंड से तो हम लोग बात स्टार्ट करते हैं प्रोटीन्स की प्रोटीन्स जैसा कि आप जानते हैं दे आर द मैक्रो मोलिक्यूल्स ये लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की बॉडीज के अंदर बनते हैं यहीं पे पाए जाते हैं यहीं पे सिंथेसाइज होते हैं अगर हम बात करते हैं एनिमल्स की ह्यूमन बींग्स की तो नॉन बोनी स्ट्रक्चर जो है एनिमल्स का ह्यूमन बींग्स का वो प्रोटीन से बना होता है मेजरली एनिमल्स का ड्राई वेट देखें तो फिफ्टी जो ड्राई वेट है वो प्रोटीन्स के ऊपर मुश्तमिल होता है हमारी स्किन हमारे टिश्यूज़ हेयर नेल्स बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस प्रोटीन की वजह से बनती हैं प्रोटीन उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोटीन्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म्स क्योंकि ये हमारे बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स को बनाती है ना सिर्फ उन पार्ट्स को जिनकी एग्जाम्पल मैंने अभी दी है बल्कि ईच इन ईच एंड एवरी सेल प्रोटीन जो है बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पे एक्ट करती है प्रोटीन बहुत सारे सेल्स को बनने में हेल्प करती है तो प्रोटीन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट uh, है बल्कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह लें तो फाइबर डिफरेंट फाइबर्स हैं दैट आर फाउंड इन द हेयर दैट आर फाउंड इन द सिल्क उसके अलावा जो मसल्स हैं उनके अंदर मुख्तफ फ़ाइबर हैं उनके अंदर ये प्रोटीन प्रेजेंट होती है अब प्रोटीन को अगर हम देखते हैं प्रोटीन कह सकते हैं हम कि इट इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ सेल लेकिन ये प्रोटीन ख़ुद क्या है एक्चुअली दिस प्रोटीन इज़ अ नाइट्रोजिनस कंपाउंड और ये खुद बनी होती है अमाइनो एसिड से तो ये हम कह सकते हैं कि अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन अमाइनो एसिड्स आपस में हज़ारों की तादाद में मिलते हैं एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं तब जाके ये प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल बनता है तो जिस तरह मैंने एग्जांपल दी कि हेयर में सिल्क में मसल्स में जब प्रोटीन प्रेजेंट है तो वहाँ पे किस तरह से प्रेजेंट है कि हज़ारों की तादाद में वहाँ पे अमाइनो एसिड ने एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है और उस बॉन्ड की वजह से वो प्रोटीन का पूरा एक मॉलिक्यूल जो है वो बनता है अब जब ये बॉन्ड बनता है जब ये अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं दैट बॉन्ड इज़ कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड जिसकी वजह से एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं तो जब ये लॉन्ग चेन्स बन जाती हैं अब लॉन्ग चेन्स भी स्ट्रेट चेन्स नहीं होती बल्कि वो क्या करती हैं वो कॉयल की सूरत में प्रेजेंट होती हैं और वो एक दूसरे के इर्द गिर्द कोयल्ड हुई होती हैं स्पायरल बनाया होता है जिस तरह से अगर ये एक प्रोटीन के लॉन्ग चेन है तो वो उसने कोयल की, की सूरत में प्रेजेंट है स्पायरल की सूरत में अपने ऊपर वो एक लपेटी हुई होती है ताकि अगर ये लॉन्ग चें्स में होती तो ये पूरी तरह हमारी बॉडी में एडजस्ट ना होती तो ये कुदरत है ये नेचर है कि जो ये लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स हैं उनको कॉयल कर दिया है उनको स्पायरल फॉर्म में ले आए हैं ताकि हमारी बॉडीज़ की रेंज में इनको एडजस्ट किया जा सके जब मैं कहती हूँ कि हज़ारों अमाइनो एसिड जो हैं दस हज़ार उससे ऊपर टेन थाउजेंड या मोर देन दैट अमाइनो एसिड जो है पार्टिसिपेट करते हैं जस्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन को बनाने में और हमारी बॉडी में भी मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन प्रेजेंट हैं तो इतनी लॉन्ग चेन्स कहाँ पर एडजस्ट करेंगी वो इस तरह से एडजस्ट करती हैं कि ये जो अमाइनो एसिड की लॉन्ग चेन्स है जहाँ पर टेन थाउजेंड अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ अटैच हैं तो वो स्ट्रेट रहने के बजाय स्पायरल फॉर्म में आ जाती हैं कॉयल्ड हो जाती हैं तो इस स्पायरल को हम कहते हैं कि दिस इज अ हेलिक्स तो ये जो हेलिक्स है ये राइट हैंडेड भी हो सकता है लाइक दिस उसके अलावा ये लेफ्ट हैंडेड भी हेलिक्स होता हो सकता है लाइक like दिस तो हेलिक्स इज ऑल्सो टू टाइप्स राइट हैंडेड है और लेफ्ट हैंडेड है अगर हम राइट हैंडेड हेलिक्स को देखते हैं तो इसमें जो ग्रुप्स हैं जैसे कि अमोनिया का एन एच ग्रुप है जो अमाइनो एसिड में प्रेजेंट है उसके अलावा एक दूसरा ग्रुप है कार्बोक्साइल ग्रुप ये दोनों ग्रुप्स जो हैं अमाइनो एसिड में प्रेजेंट है अमाइनो यानी कि अमाइनो ग्रुप और एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप तो ये दोनों एसिड्स दोनों ग्रुप्स जो हैं अमाइनो एसिड के अंदर ही हैं इसी स्पायरल के अंदर मौजूद हैं ये दोनों ग्रुप्स तो ये वर्टिकली एक दूसरे के साथ एडजस्ट होते हैं यानी कि आमने सामने आना शुरू हो जाते हैं एंड दे आर लिंक टूगेदर वर्टिकली एक दूसरे के सामने प्रेजेंट हैं तो कार्बोक्साइड ग्रुप का जो ऑक्सीजन है जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो सामने आ जाता है इस अमाइनो ग्रुप के हाइड्रोजन के और इस तरह से वर्टिकल एक दूसरे के सामने होने की वजह से और बीइंग इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रो नेगेटिव हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है ऑक्सीजन इलेक्ट्रो नेगेटिव है तो ऑपोजिट चार्ज होने की वजह से इनके आपस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो ये जो स्पायरल्स हैं ये फिर एक दूसरे से लिंक होना शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्ड तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड एक स्पायरल को दूसरे स्पायरल यानी इसी तरह का एक स्पायरल है ये दूसरा स्पायरल है तो इधर भी हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे जो इन दोनों के बीच में क्रिएट होंगे और ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये दोनों स्पायरल्स को या उससे ज़्यादा स्पायरल्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके रखती है हमने ये बात जो है साइंटिस्ट ने भी प्रूव की थी इस बात को कि एक्सरे एनालिसिस जब हुआ था तो उन्होंने कहा था कि ऑन एवरेज देर आर ट्वेंटी सेवन अमाइनो एसिड यूनिट फॉर ईच टर्न ऑफ हेलिक्स हर टर्न हेलिक्स के हर टर्न के अंदर यहाँ पे ट्वेंटी सेवन अमाइनो एसिड्स हैं और अमाइनो एसिड्स जो हैं वो कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ मिलकर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है जिसकी वजह से ये स्पाइरल ने अपनी शेप को मेंटेन किया है बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ इट्स अ पावरफुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो उसने बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप रखी हुई है इस स्पायरल में कि स्पायरल ब्रेक डाउन ना हो इसकी शेप चेंज ना हो ये खुल ना जाए ये ओपन ना हो जाए तो ये एक कुदरत की तरफ से है ये एक नेचर का आप कह लें कि मुआजा है इसमें कि क्या कि हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरह से बायोलॉजिकल वे में लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड ना होता कोई सिस्टम ऐसा ना होता जो इस हेलिक्स को बाउंड करके रखे इस हेलिक्स को मैंटेन करके रखे अपनी शेप में तो उस वजह से हेलिक्स ओपन हो जाता प्रोटीन की शेप में चेंज आ जाता और प्रोटीन की शेप में अगर माइनर सा भी चेंज आए तो वो डी नेचर हो जाता है वो काम नहीं करता वो काम करना बंद कर देता है और प्रोटीन्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं अगर प्रोटीन्स की शेप में चेंज हो वो डी हो जाएँ तो उस वक़्त जब वो काम नहीं कर रहे हों तो उस वक्त वो बहुत ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ के ऊपर डेंजरस हो सकते हैं यह बात हो गई है प्रोटीन की सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल वो हमारी लाइफ के लिए भी बहुत ज्यादा ज़रूरी है दैट इज अ डीएनए अगर आपने अपने बायो में पढ़ा हो डीएनए क्या है जिसे हम लोग डी कार्बोक्सिलिक डी कार्बोक्सी डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं सॉरी डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड डी एन ए ये क्या है दिस इज़ अ जेनेटिक मटेरियल जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहा है और ना सिर्फ ये ट्रांसफ़र करने के जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करने के काम आता है बल्कि जब एक इंसान बनता है तो उसके अंदर किस किस्म का स्ट्रक्चर बनना है किस किस्म के प्रोटीन्स बननी है उसमें डीएनए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि हमारी पूरी फंक्शनिंग की इंफॉर्मेशन इस डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती है अब डी के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें आप फिगर नंबर फोर ए एंड बी पार्ट देख सकते हैं बी पार्ट स्पेशली आप देखें यहाँ पे क्या है कि डीएनए के मॉलिक्यूल दिखाया गया है उसकी दो स्पायरल चेन्स होती हैं और वो किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड किया होता है आप सिंपल सी एग्जांपल ले लें डीएनए का स्ट्रक्चर इस तरह से कि अगर एक लैडर है लैडर के बीच में ये स्टेप्स हैं अगर डीएनए का स्ट्रक्चर खोल के देखें अब अगर डीएनए एक्चुअली एक इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ स्पायरल जिसमें ये लेडर जो है ये इस स्पायरल के तौर पे प्रेजेंट होती है यहाँ पे, और इसके दरमियान में ये जो स्टेप्स हैं वो प्रेजेंट होंगे ये जो स्पायरल चेन्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर कॉइल्ड होती हैं अबाउट ईच अदर ऑन द कॉमन एक्सिस एक कॉमन एक्सिस पे यानी कि अगर ये उनका एक्सिस है तो इसके इर्द गिर्द वो उन्होंने वल कॉइल्ड बनाया हुआ है कॉइल्ड है स्पायरल बनाया हुआ है तो इस तरह से ये डीएनए को डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर देती हैं वो जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है इट इज़ एटीन टू ट्वेंटी एक्स्ट्रम इन डायमीटर और ये जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो ये स्पायरल्स uh, हैं ये दे आर लिंक टू ईच अदर बाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन देयर सब यूनिट्स कि डी एन ए के अंदर डिफरेंट सब यूनिट्स हैं जिसमें बेसिस प्रेजेंट हैं नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट हैं तो उन बेसिस के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बेसिस को स्ट्रांगली ग्रिप करके रखती है कि ये बेसिस एक दूसरे को छोड़ ना दें और उस वजह से ये डी के मोलिक्यूल को मेनटेन करके रखने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का तो अभी तक आपने देखा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट है ना सिर्फ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़म्स में नॉन लिविंग थिंग में बल्कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी बायोलॉजिकल कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स जो हमारे सर्वाइवल के लिए हमारे लिविंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं उनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है और वो हमारे अंदर कंपाउंड्स को मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स को प्रॉपरली मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही है अब ये बात हो गई है बायोलॉजिकल कंपाउंड्स की अब हम बात करते हैं अगर फ़ूड मटेरियल की कि डिफरेंट फूड मटेरियल में किस तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो जो फ़ूड मटेरियल्स हैं डिफरेंट जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनमें ग्लूकोज है फ्रुक्टोज है, है सुक्रोज है उन सब के अंदर हाइड्रोक्साइल ग्रुप यानी कि ओ एच ग्रुप प्रेजेंट होता है जो वो ओ एच ग्रुप कार्बोहाइड्रेट्स की बात हो रही है वो कार्बोहाइड्रेट के बाकी के हाइड्रोजन के साथ मिलके हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और इस तरह से फूड मटेरियल के अंदर भी ये बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट हैं अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कार्बोहाइड्रेट की जो कि एक फ़ूड मटेरियल है जो कि एक मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि अगर हम ग्लूकोज की एग्ज़ैम्पल लेते हैं ग्लूकोज तब बनता है फोटोसिंथेसिस के जरिए जहाँ पे प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं अपनी एयर में से अपनी इन्वायरमेंट में से वाटर के मॉलिक्यूल्स को लेते हैं और उसके अलावा सनलाइट को लेते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं उनको ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को देखें तो इसके अंदर भी हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है तो ये आपस में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ मिलके हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये जो फूड मटेरियल्स हैं उनकी भी उनके दरम्यान में बॉन्ड रहेगा उनका स्ट्रक्चर मेनटेन रहता है जिस तरह के शुगर के मोलिक्यूल्स हैं तो अभी तक आपने देखा कि किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसमें बायोलॉजिकल कंपाउंड्स हमने देखे यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडीज़ के अंदर पाए जाते हैं जैसे कि प्रोटीन हो गया उसके अलावा डीएनए है दोनों में स्पायरल्स हैं स्पायरल्स क्रिएट किए गए हैं डीएनए भी एक्चुअली बहुत लॉन्ग मटेरियल है जिसमें तमाम जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है तो ये स्पायरल में इसीलिए कन्वर्ट हुआ होता है इसीलिए लिए कॉयल डब है कुदरत की तौर की तरफ से कि ये मिनिमम स्पेस में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट हो सेम केस है माइनो एसिड्स का भी जब वो प्रोटीन बना रहे होते हैं कि मिनिमम स्पेस में मैक्सिमम माइनो एसिड्स एडजस्ट हो सकें ज़्यादा स्पेस ना लें और ज़्यादा एफिशिएंट हो तो वहाँ पे उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करवाने में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया है कि किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द बायोलॉजिकल कंपाउंड्स और उसके अलावा फूड मटेरियल्स में उम्मीद है आपको यहाँ तक मेरे लेक्चर की समझ आई होगी अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है कोई इशू है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आई एम हैव टू हेल्प यू आउट और यहीं से अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग फ़र्दर कहाँ कहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज